डकैती मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने दबोचा। रंगरा पुलिस ने थानाध्यक्ष महताब खां के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाकर डकैती मामले में फरार चल रहे आरोपी खगड़िया जिला के परवत्ता थाना क्षेत्र के लगार निवासी टिंकू यादव को गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष महताब खां ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी को गुप्त सूचना के आधार पर उसके घर से ही धर दबोचा है। महताब खां ने कहा कि गिरफ्तार टिंकू यादव पिछले वर्ष 12 अगस्त को थाना क्षेत्र में हुए डकैती मामले में आरोपी है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रंगरा पीएचसी में 45 गर्भवती महिलाओं की हुई जांच। रंगरा पीएचसी में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य जांच किया गया। जानकारी दी गई है कि दोपहर बाद तक करीब 45 महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच कर ली गई थी और उन लोगों को चिकित्सकीय परामर्श भी दिया जा चुका था। पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन कुमार ने कहा कि प्रत्येक माह इस कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं की जांच की जाती है, जिसमें गर्भावस्था के समय महिलाओं में होने वाली खून की कमी का खास ध्यान रखा जाता है और इसके लिए दवाओं का वितरण भी किया जाता है। रंगरा पुलिस ने मास्क नहीं पहने कुल 12 लोगों से वसूल किया 600 रुपये जुर्माना। रंगरा पुलिस द्वारा चलाए गए मास्क जांच अभियान में मास्क नहीं पहने कुल 12 लोगों से 600 रुपये जुर्माने की राशि वसूल की गई है। थानाध्यक्ष महताब खां ने जानकारी देते हुए बताया कि रंगरा में रोजाना मास्क जांच अभियान सघनता पूर्वक चलाया जा रहा है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति से अपील है कि वे घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाकर ही निकलें। भीमदास टोला में 3 लीटर देशी शराब और 5,000 रुपये के साथ एक गिरफ्तार। रंगरा पुलिस ने थाना क्षेत्र के भीमदास टोला में छापेमारी कर गांव के ही दिलीप कुमार को 3 लीटर देशी शराब और 5,000 रुपये की नकदी के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले की बाबत रंगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली है तो दूसरी तरफ गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।